हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज मैं लाई हूँ कि बच्चों को आसान वाले वर्ड मीनिंग कैसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट, जिसे कहते हैं शॉपिंग प्लेस, ठीक है। मार्केट को कहते हैं शॉपिंग प्लेस। बॉदर यानी ट्रबल। बॉदर होता है जिसे परेशान करना, टू डिस्टर्ब, एनॉय और वरी समबडी, ठीक है, परेशान करना, तंग करना। जैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब टू यू, या फिर आई एम सॉरी टू बॉदर यू। तो बॉदर का वर्ड मीनिंग हो गया ट्रबल। अपसेट, अपसेट मीन्स वरी, अपसेट मीन्स सैड, उदास रहना, चिंतित रहना, तो अपसेट का वरी। रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना, जिसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा डिटैच। डिटैच मीन्स भी वही होता है, किसी वस्तु को उससे अलग करना जिससे वो जुड़ी है। तो रिमूव का वर्ड मीनिंग डिटैच। डिटैच का एंटोनोमी यानी उल्टा अटैच होता है। नेक्स्ट है लवली, जिसका वर्ड मीनिंग होगा क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट। बोल्टेड, बोल्टेड मीन्स चटकनी लगाना, सिटकनी लगाना, जिसका वर्ड मीनिंग होगा लॉक्ड, ठीक है। ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स निशान, चिन्ह, जिसे मार्क कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी वर्ड मीनिंग बताते जा रही हूँ, जिससे बच्चों को समझाने में आराम हो, और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग तो है ही। प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड मीन्स नाटक, जो झूठा मूठा नाटक होता है, ड्रामा, उसे कहते हैं। जिसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है इसका एक्ट, ए सी टी, एक्ट। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब सैड, वर्ड मीनिंग सैड हो जाएगा। नोटोरियस, नोटोरियस मीन्स वेरी नोटी, जो बहुत नटखट होते हैं उन्हें नोटोरियस कहते हैं, यानी वेरी नोटी। लेबर मीन्स वर्क हार्ड, हार्ड वर्ड मीनिंग होगा इसका हार्ड वर्क। रस्टलिंग, रस्टलिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, जैसे पत्तों का जो हिलना डुलना होता है, मूवमेंट होता है, उसे रस्टलिंग कहते हैं। अलाइव, अलाइव मीन्स नॉट डेड, मीन्स मरा हुआ नहीं, लिविंग, जिंदा, अलाइव, ओके। अलाइव का वर्ड मीनिंग हो गया नॉट डेड, यानी कि लिविंग। अब नेक्स्ट है वाइज, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा क्लेवर, वाइज मीन्स चालाक, क्लेवर। ट्रंक, ट्रंक का मतलब हो गया बॉक्स, वर्ड मीनिंग क्या हो गया इसका, बॉक्स। एम्परर, एम्परर मीन्स रूलर, एम्परर मीन्स राजा होता है, जिसका वर्ड मीनिंग हो गया रूलर। नेक्स्ट है सीज, सीज का मतलब हो गया स्टॉप और एंड, मतलब सीज मीन्स समाप्त तो हो जाना, तो वर्ड मीनिंग हो जाएगा इसका स्टॉप और एंड। अब नेक्स्ट है फौजी, फौजी मीन्स जैसे फैट और चबी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई फैट और चबी पार्ट, उसको फौजी कहते हैं, ओके। ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है प्रीसियस थिंग, कीमती जो सामान होता है उसे ट्रेजर कहते हैं। प्रॉब्लम मीन्स डिफ़िकल्टी, ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी समस्या, प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्टी इसका वर्ड मीनिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं एंड होता है। घर पर बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात की जाए, उन्हें कैसे सिखाया जाए इंग्लिश में टॉक करना, ये भी मैंने, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने करीब 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर लिंक में मैं डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा। बच्चों से कैसे स्कूल में बातें की जाती हैं, तो घर में जब तक हम बात नहीं करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, तो आप ज़रूर वीडियो चेक करिएगा। और ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।